गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द कीप लर्निंग सेंटर। इस लेक्चर में हम लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप्स के रिमेनिंग टॉपिक को कवर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि किसी पाइप के अंदर अगर विस्कस फ्लो हो रहा है तो उसके सीएस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं और प्रेशर ड्रॉप को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वही डायग्राम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने समझा था कि कोई पाइप है जिसके अंदर विस्कस फ्लो हो रहा है। विस्कस फ्लो होने के बाद हमें दो ही फोर्सेस को कंसीडर करना था, प्रेशर फोर्स एंड विस्कस फोर्स। उसके बाद हमने नेट फोर्स निकाल के उसको जीरो के बराबर पुट किया था और हमने डेरिवेशन की थी। हमने जब ड्राइव किया था तो हमारी दो वैल्यूज आई थी, सी एस स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या आया था, माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर बाई टू। उसके बाद हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाला था और उसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस वन बाय फोर म्यू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको समझना हो तो आप प्रीवियस लेक्चर को देख सकते हो। नेक्स्ट, इस लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज, देन हम निकालेंगे वी एवरेज डिवाइडेड बाय वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो निकालेंगे और लास्ट में हम देखेंगे डेल पी, प्रेशर डिफरेंस। तो ये तीन वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है या इनके लिए हमें डेरिवेशन करना है। देखिए वन बाय वन, सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी के लिए देखते हैं। देखिए डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्चार्ज जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है एरिया इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी होती है इस केस में, एवरेज वेलोसिटी। डिस्चार्ज को हम जब निकालते हैं, डिस्चार्ज का मतलब होता है पर सेकेंड में कितना वॉल्यूम इंटर कर रहा है किसी पाइप के अंदर या किसी भी सेक्शन के अंदर। तो अगर मैं वी एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहता हूं तो डिस्चार्ज को डिवाइड कीजिए एरिया से। तो इस केस में जब मैं डिस्चार्ज को निकाल लूंगा तो एरिया क्या होगा पूरे पाइप का, पाई आर स्क्वायर। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं डिस्चार्ज की वैल्यू निकालने वाला हूं पाइप के केस में और फिर उसको पाई आर स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर सपोज स्मॉल ए मान लेता हूं। तो मैं क्या करूंगा, डिस्चार्ज निकालूंगा। तो डिस्चार्ज निकाल के लिए मुझे क्या चाहिए, मैं एक स्मॉल सेक्शन लूंगा। देखिए इसका क्रॉस सेक्शन समझिए आप, मान लीजिए इस पाइप को जब आप यहां से देखोगे तो आपको इस टाइप से दिखेगा। देखिए ये पाइप का क्रॉस सेक्शन है, पाइप की रेडियस क्या है, कैपिटल आर। एक स्मॉल एलिमेंट हमने ले रखा है जिसकी रेडियस क्या है, आर, और जिसकी थिकनेस क्या है, डी आर। ठीक है, तो इस स्मॉल एलिमेंट पे मैं डिस्चार्ज निकालूंगा और उसको बाद में इंटीग्रेट कर दूंगा जीरो से आर तक। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम एलिमेंटल डिस्चार्ज पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सो एलिमेंट्री डिस्चार्ज, या बोल सकते हो डिस्चार्ज थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, जिसकी थिकनेस डी आर है, जिसकी रेडियस आर है, तो इसको हम डी क्यू से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके, क्या होगा वेलोसिटी, यही वेलोसिटी है, देखो यही वेलोसिटी आ रही है, यही तो प्रोफाइल थी हमारी, इनटू वेलोसिटी इनटू क्या होगा एरिया, एरिया क्या होगा एलिमेंट का, डी ए। अब ये कौन सा एरिया होगा, स्मॉल रिंग के टाइप में एरिया, टू पाई आर इंटू डी आर। तो कैसे लिख सकते हैं, यू इंटू टू पाई आर डी आर, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट का एलिमेंट्री एरिया क्या होगा हमारा, इस स्मॉल सर्कमफ्रेंस का क्या होगा, जिसकी थिकनेस डी आर है, टू पाई आर इंटू डी आर। देखिए
अब मैं अगर कंप्लीट निकालना चाहता हूँ, कंप्लीट डिस्चार्ज, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, 0 टू Q इक्वल टू 0 टू R U इंटू 2 पाई R dR, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखिए U के अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे हम, ठीक है, U के लिए ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो मैं यहां से रब कर देता हूं इसको, देखिए Q क्या हो जाएगा, Q विल बी इक्वल टू 0 टू R, U की वैल्यू हम यहां से पुट कर देते हैं, तो ये वैल्यू है -1/4 μ इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू R² - R², ठीक है, इंटू क्या है 2 पाई R dR, 2 पाई R dR, ओके। देखो डी डी क्यू का क्या हो गया, क्यू हो गया हमारा, और हमने लिमिट पुट की 0 से Q, तो ये आ गया क्यू। तो टोटल डिस्चार्ज क्या हो जाएगा आपका, क्यू विल बी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जो भी कांस्टेंट क्वांटिटी है उसको बाहर ले जाइए आप, 2 पाई भी कांस्टेंट है, 4 μ भी कांस्टेंट है, डेल पी बाय डेल एक्स भी कांस्टेंट है, दैट मीन्स -2π/4 μ इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, रिमेनिंग का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, R² - R² इंटू R dR। देखिए यहाँ पे वेरिएबल R है, तो ये भी इंटीग्रेशन होगा, तो R को अंदर ले जाइए आप, क्या हो जाएगा माइनस, देखो इसको ये 2 हो जाएगा यहाँ से, तो हो जाएगा π/μ डेल पी बाय डेल एक्स, देखिए ये हो जाएगा हमारा R² × R - R³ × dR। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे हम, -1/2 μ इंटू पाई डेल पी बाय डेल एक्स, आप इंटीग्रेट कीजिए, देखो इंटीग्रेट क्या होगा, R आर स्क्वायर तो कॉमन है, तो R की इंटीग्रेशन क्या होगी, R² / 2, तो ये हो जाएगा आपका R² × R² / 2 -R³ की क्या होगा इंटीग्रेशन, R⁴/4, क्योंकि इंटीग्रेशन में हम पावर में 1 ऐड करते हैं और उसी को नीचे ले जाते हैं, ये हो गया। और लिमिट क्या है आपकी, 0 टू R, तो जहां पर भी स्मॉल R है क्या पुट कर दोगे आप, कैपिटल R, ठीक है, और 0 में तो माइनस हो जाएगा आपका, -1/2 μ इंटू पाई इंटू डेल पी बाय डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा, R यहाँ पे पुट करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, R² यहाँ पे है, R² यहाँ पे, R⁴/2 -R⁴/4, ठीक है, हाफ को 1/4 से करोगे क्या हो जाएगा आपका, -1/2 μ इंटू पाई डेल पी बाय डेल एक्स, ये क्या हो जाएगा R² / 4, ठीक है, 4 LCM आ जाएगा यहाँ पे, तो 2 2 या 4 -1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये वैल्यू आ गई डिस्चार्ज की, वैल्यू आ गई -1/8 μ, देखिए 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 8 हो गया, इंटू पाई इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू R², तो ये वैल्यू आ गई हमारी डिस्चार्ज की, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर स्मॉल b, तो आप इस डिस्चार्ज की वैल्यू को इक्वेशन नंबर a में पुट कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगी आपको, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या करने वाले हम, इस डिस्चार्ज की वैल्यू को हम इक्वेशन a में पुट करने वाले हैं, ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ डिस्चार्ज, कौन सा डिस्चार्ज है, पाइप में कितना डिस्चार्ज है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपकी, वी एवरेज विल बी इक्वल टू, इस पूरी इक्वेशन को π R² से डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है, -1/8 μ डेल पी बाय डेल एक्स
है, पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर है, तो डिवाइड किसे करना है हमें, पाई आर स्क्वायर से। देखिए ध्यान रखिए यहाँ पे क्या वैल्यू है, -1/8 μ पाई डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, और एरिया क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पाई आर की पावर 4 है, ये हो हमारा पाई आर 4, तो कैंसिल आउट कर दीजिए, पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से 2 पे कट गया, तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई आपकी, 1/8 μ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। जब भी किसी पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो होगा तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी होगी। अब हम एवरेज वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी से डिवाइड करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है, ठीक है, देखिए ये एवरेज वेलोसिटी है, मैक्सिमम हम यहां से निकाल सकते हैं, हमने पहले कैलकुलेट भी की थी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आ रही थी हमारी, यू मैक्स, जब आर की वैल्यू जहां पे 0 थी वो मैक्सिमम हमारी वेलोसिटी थी, तो ये वैल्यू थी हमारी -1/4 μ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। हम इसको पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, अब देखिए ये तो एवरेज वेलोसिटी है और ये आपकी मैक्सिमम, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका वी एवरेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एवरेज के अंदर है -1/8 μ इंटू डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 -4 μ, -1/4 μ डेल पी बाय डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी हो गया, तो ये कितना आ गया आपका, ठीक है, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/2, दैट मीन 0.5, तो जो आपकी एवरेज वेलोसिटी है वो हाफ रहेगी मैक्सिमम वेलोसिटी से, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी इज ट्वाइस द एवरेज वेलोसिटी, ट्वाइस द एवरेज वेलोसिटी। ये कब वैलिड है, जब किसी पाइप के अंदर लेमिनार फ्लो हो रहा हो, तो अगर आपसे पूछी जाए कि मैक्सिमम वेलोसिटी ये है तो एवरेज क्या होगी, तो आपको उसके हाफ कर देना है, या अगर एवरेज वेलोसिटी दे दे मैक्सिमम पूछे तो उसका आप डबल कर दोगे। ये ध्यान रखिए ये कब वैलिड है, ये जब पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है, अगर दो पैरेलल प्लेट के केस में है तो ये नहीं है, उसके लिए डिफरेंट होता है, अगर दो पैरेलल प्लेट्स हैं उनके बीच में विस्कस फ्लो या लेमिनार फ्लो हो रहा है तो वहां पे ये वैलिड नहीं है, उसके लिए डिफरेंट डेरिवेशन है हमारी, ठीक है, तो वहां पे वैल्यू कुछ और होती है एवरेज और मैक्सिमम वेलोसिटी की। अब लास्ट हमारा रह गया, लास्ट में हम क्या निकालना, हमें प्रेशर डिफरेंस क्या निकालना है, प्रेशर डिफरेंस, देखिए लास्ट इज प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर ड्रॉप क्या है, देखिए जहां पर हमारी एवरेज वेलोसिटी है वहां पे एक टर्म है डेल पी, तो आप डेल पी को एक साइड में रख लीजिए, रिमेनिंग टर्म को एक साइड में ले जाओ, जो ये प्रेशर ग्रेडियंट है उसको आप एक साइड में रखिए, चलो पहले प्रेशर ग्रेडियंट को एक साइड में रखते हैं, रिमेनिंग टर्म को आप ले जाइए यहां पे, तो ये क्या हो जाएगा, वी एवरेज, ठीक है, इंटू 8 μ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज माइनस, माइनस का साइन भी आपका, तो वी एवरेज इंटू 8 μ डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P2 - P1, डिफरेंस का मतलब यही होता है, और ये क्या हो जाएगा, X2 - X1, ये हमारा 8 μ वी एवरेज डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस।
इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस साइन को यहाँ पे ले जाओ तो ये हो जाएगा पी वन माइनस पी टू डिवाइडेड बाय, इसको एल कर दें, टोटल के लिए हम निकालेंगे तो जो डिफरेंस रहेगा वो क्या होगा, लेंथ, लेंथ ऑफ द पाइप के लिए लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 8 μ वी एवरेज। अब देखिए रेडियस को डायमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, आर मतलब डी बाय टू, तो ये ऊपर क्या चला जाएगा 4। ठीक है, देखिए आर को क्या लिखेंगे हम, डी बाय टू, डी बाय टी का स्क्वायर क्या होगा डी स्क्वायर बाय 4, तो ये ऊपर चला जाएगा दिस, तो ये हमारा क्या हो गया 8 इंटू 4 करोगे आप तो ये हो जाएगा 32 μ वी एवरेज डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, डी स्क्वायर। ठीक है, एल को आप इस साइड में ले जाइए, ये क्या हो जाएगा पी वन माइनस पी टू इक्वल टू 32 μ वी एवरेज डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू एल। ठीक है, इसको क्या बुलाते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज हिगन पॉइसले इक्वेशन। ठीक है, जो ये आपकी प्रेशर ड्रॉप, किस केस में है प्रेशर ड्रॉप, जब पाइप के अंदर लैमिनार फ्लो हो रहा हो तो ये प्रेशर ड्रॉप की वैल्यू आती है। अब इसी को हम थोड़ा सा मैनिपुलेट करके डार्सी वेसबैक इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे देखिए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं आप इसे। देखिए हमें पता है पी वन बाय रो जी माइनस पी टू बाय रो जी, ये क्या होता है आपका एच होता है। ठीक है, हमने ये बर्न नॉलेज के टाइम पे देखा था, तो इसको आप एच एफ बोल लीजिए। ठीक है, लॉस इन है, तो यहां पे क्या है पी वन माइनस पी टू, तो पी वन माइनस पी टू क्या हो जाएगा रो जी एच एफ, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक है, अब देखिए यहां पे, जहां पे पी वन माइनस पी टू है तो आप यहां पे लिख दीजिए, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं रो जी एच एफ इक्वल टू 32 μ वी एवरेज इंटू एल डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर। ठीक है, एच एफ को छोड़ दीजिए, रिमेनिंग टर्म को आप राइट साइड में ले जाओ, एच एफ इक्वल टू 32 μ वी एवरेज इंटू एल डिवाइडेड बाय रो जी डी स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, देखिए 32 μ वी एवरेज इंटू एल डिवाइडेड बाय रो जी, देखिए ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं हम, रो वी डी लिख रहा हूं मैं डिवाइडेड बाय म्यू, तो म्यू चला गया नीचे, एक वेलोसिटी एक्स्ट्रा है तो मैंने स्क्वायर कर दिया, वेलोसिटी को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया नीचे भी, तो क्या बन गया नीचे भी आ गया ऊपर वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो रो था वो नीचे चला गया तो ये हो गया रो वी डी बाय, तो यहाँ पे क्या आ गया डी स्क्वायर इंटू 2g, अब नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा हमें, तो ये क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला है, रो वी डी बाय म्यू, ये होता है हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, क्या है ये हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर इंटू वी स्क्वायर, वी कौन सा एवरेज, इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर इंटू 2g, डी स्क्वायर इंटू 2g, तो ये हो गया हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब 64 बाय आर ई को क्या क्या बोलते हैं हम, फ्रिक्शन फैक्टर, क्या बोलते हैं फ्रिक्शन फैक्टर, ध्यान से देखिए 64 बाय रेनॉल्ड्स नंबर इज कॉल्ड एफ, एफ का नाम क्या होता है फ्रिक्शन फैक्टर, फ्रिक्शन फैक्टर, और ये फ्रिक्शन फैक्टर 4 f के बराबर होता है, ध्यान से देखिए कैपिटल एफ तो होता है फ्रिक्शन फैक्टर और स्मॉल एफ क्या रहता है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान से देखिए बच्चों क्योंकि इसमें काफी मिस्टेक करते हो आप, जो हमारे कैपिटल एफ है ये फ्रिक्शन फैक्टर रहता है, इसकी वैल्यू होती है 64 डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर,
जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो 4 टाइम्स होता है कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के, जो कि स्मॉल एफ है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू कैन रिटन एज 4FLV² डिवाइडेड बाय D² इंटू 2G, ठीक है। देखो डी स्क्वायर को भी थोड़ा सा आप क्या लिख सकते हैं, हम यहां पे हमारा डी स्क्वायर था, ठीक है, डी इंटू 2G, एक दिस, देखो डी यहां पे चला गया, आपका डी यहां पे चला गया, तो यहां पे क्या रह गया डी, क्योंकि तो एक डी हमने यहां पे ले लिया, तो डी आएगा यहां पे, ठीक है। तो डी इंटू 2G क्या हो जाएगा, डी इंटू 2G, 4FLV² डिवाइडेड बाय डी इंटू 2G। तो ये हमारा, इसी को बुलाते हैं डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन, डार्सी बैक इक्वेशन, जिसको हम पाइप्स, फ्लो थ्रू पाइप्स में भी यूज करते हैं, इसको हम टर्बाइन्स में भी यूज करते हैं, जहां पे पेन स्टॉक में जो फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, ठीक है, वो भी यही होता है। तो डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन कैसे निकाली हमने, जब हमने हेगन पॉइज़ले इक्वेशन निकाली, उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई। यहाँ पर एफ क्या होता है, कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल एफ इंटू एल वी, वी कौन सा, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी है, ध्यान रखिए दिस इज एवरेज वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय डी इंटू, ये स्मॉल नहीं है, कैपिटल डी है, सॉरी कैपिटल डी इंटू 2G, ठीक है। कैपिटल डी क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फ्रिक्शन फैक्टर, लेंथ ऑफ द पाइप, एवरेज वेलोसिटी, डायमीटर ऑफ द पाइप, जी एसलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये होता है हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि किसी पाइप में अगर विस्कस फ्लो या लेमिनार फ्लो हो रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में रेशो क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम प्रेशर ड्रॉप को कैलकुलेट कर सकते हैं, और प्रेशर ड्रॉप को हम मैनिपुलेट करके डार्सी वेस्टबैक इक्वेशन को कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू।